नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जोशी जी का, जिन्होंने मुझे फिर अवसर दिया जन सरोकार मंच में कविता पाठ करने के लिए। आज मैं अपनी कुछ थॉट्स और कुछ कविताएं जो मैंने बहुत कम पढ़ी हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। और मैं एक अभी नई शुरुआत की हूँ जंगल थॉट्स, उससे कुछ आपके सामने पेश करती हूँ। अंधकार ग्रस्त और बुद्धिजीवियों से त्रस्त है जंगल, ऐसे ही बहुत से थॉट्स लिखे हैं, वो सुनाती हूँ। मानव मन सदा से गुलाम है वो जंगल जैसे मुक्त और स्वाभिमान कहाँ। वो बहुत गहरे स्तर पर है, मानव ये कभी नहीं समझ पाएगा। मनुष्य अपने जरूरत के प्रति सदा से बहुत जागरूक रहा, इसीलिए वो दूसरों की स्वतंत्रता और दूसरों का चीज हनन करने में बहुत माहिर रहा। तो आज पर्यावरण के करीब मैं अपने आप को बहुत महसूस करती हूँ। तो एक बहुत दिनों पहले मैंने एक कविता लिखी थी नदी, जो छप गई है, लेकिन सुनाती हूँ। तुम उज्जवल अभेद स्पंदन में कल कल छल छल ध्वनि। उज्ज्वल अभेद स्पंदन में कल कल छल छल की ध्वनि। प्राण तुम परित्राण तुम रुचिता तुमसे सुचिता तुमसे अथाह गहराई में होने की चाह तुम्हें समुद्र की ओर चलने को विवश करती। अथाह गहराई में खोने की चाह तुम्हें समुद्र की ओर चलने को विवश करती है। आग्रह हो तुम पर कभी कभी दुराग्रह करने को भी विवश करती है। आग्रह हो तुम पर कभी कभी दुराग्रह करने को भी विवश करती है। मृदु नंदिनी बनकर दोनों किनारों को अपनाकर नव यौवना की भांति विद्रोह करती हो। निर्झर झरना सी सहज सरल हो गिरी से झरती हो, सहज सरल हो गिरी से झरती हो। जल के ही दर्पण में सजल हो स्वयं को निहारती हो। कभी न देखूंगी यह मायावी मुख तुम कहती हो। प्राण प्रण करती हो रण करती हो शांत और निरीह बन सभी मलिनताओं को का हरण करती हो। प्रण करती हो रण करती हो शांत और निरीह बन सभी मलिनताओं का हरण करती हो। तो नदी नदी तो नदी में अथाह संभावनाएं हैं, नदी के विषय में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन ये जो मेरी कविता है कुछ ही पहलुओं को छुई है। नदी एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत कुछ व्यक्त किया जा सकता है, तो ये अधूरा ही है, लेकिन फिर भी मैंने मेरे अंदर जो भाव आए वही मैंने व्यक्त किया। और दूसरी कविता है लड़ता कैसे। मैं ऐसा मानती हूँ कि इंसान को विरोध करना चाहिए और लड़ना चाहिए, उसे अपनी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। दूसरे के अधिकार हनन करना तो बहुत गलत बात है, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। तो ये कविता उसी सोच से आई है, लड़ता कैसे। मैं ईमानदारी की तरह असफल हुआ
तभी मुझे पता चला मैं कर्जदार हूँ। मैं ईमानदारी की तरह असफल हुआ तभी मुझे पता चला मैं कर्जदार हूँ। कोई भी चीज मेरी नहीं थी, कोई भी चीज मेरी नहीं थी, मैं हकदार होता भी तो कैसे होता? मैं हकदार होता भी तो कैसे होता? वहीं से शुरू हुआ अपने होने का, अपने न होने तक का सफर। वहीं से शुरू हुआ अपने होने का, अपने न होने तक का सफर। भाषा और भाव के मध्य का संवाद, भाषा और भाव के मध्य का संवाद, स्वार्थ और सत्ता के मध्य का मावाद। भाषा और भाव के मध्य का संवाद, स्वार्थ और सत्ता के मध्य का मावाद। मैं समझता कैसे सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा समझने लगा। सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। जंगल और जनतंत्र की लड़ाई, जंगल और जनतंत्र की लड़ाई मैं लड़ने लगा। तुम्हारी हर बात अगर सही है तो थाली खाली क्यों? तुम्हारी हर बात अगर सही है तो थाली खाली क्यों है? हालात ज्यों के त्यों क्यों है? हालात ज्यों की त्यों क्यों है? जब मैं डरने लगा था सबसे अधिक तभी मैं लड़ने लगा। जब मैं डरने लगा था सबसे अधिक तभी मैं लड़ने लगा। ये कविता थी मेरी, मैं लड़ता कैसे, लेकिन लड़ा उसने, उसकी लड़ाई पूरी नहीं हुई, वो लड़ाई चलती रहती है, लेकिन वो लड़ा। अंधकार, ये दूसरी कविता है मेरी, इसका शीर्षक है अंधकार। तुम हो अंधकार में झांकने का प्रयास किया, तुम हो ये सोच के अंधकार में झांकने का प्रयास किया। जोड़ने के प्रयास में टूटता गया और सुनो, जीवन के आंख मिचौली के खेल में वह अचानक आक्रामक होकर बोला। जीवन के आंख मिचौली के खेल में वह अचानक आक्रामक होकर बोला, यदि तुम हो तो मैं भी हूं, अगर तुम हो तो मैं भी हूं। प्रतीक्षारत नहीं केवल संघर्ष रत। किसी भी चमत्कार की कोई आशा नहीं, तुम्हें जो व्यक्त कर दे ऐसी कोई परिभाषा नहीं। ये कविता बहुत छोटी है, ये मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है। मैं न्यू हूँ, अंधकार परिचयहीनता ही मेरा परिचय है। मैं न्यू हूँ, अंधकार परिचयहीनता ही मेरा परिचय है। गंभीर हूँ गभीर हूँ, सदैव स्थिर हूँ गर्भ में, प्रभावित नहीं होती उन्मादी पर्व में। मैं न्यू हूँ, तू शिखर पर चढ़कर बोलता है, मैं गर्व से सलाह देती हूँ। मेरे क्षणिक विचलन से शिखर का कलश हिल सकता है। हे शिखर के अभिलाषी, तू चाहे तो न्यू से भी कभी मिल सकता है। तो ये जो मेरी ज्यादातर कविताएं बहुत छोटी होती है, एक पेज के अंदर आधा पेज भी भरता नहीं, खत्म हो जाती है। मैं संक्षिप्तता पर यकीन करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप संक्षेप हो जाएंगे तो उसमें जो जितना संक्षेप है उसमें उतनी वो गहराई से अपनी बातों को रख सकता है, ऐसी मेरी सोच है। ये मेरी कविताओं को मैं बहुत छोटे
इसमें रैप करना करने की चेष्टा करती हूँ। अब एक और कविता, खर्च। खर्च तो मैं बहुत हुआ, खर्च तो मैं बहुत हुआ पर खत्म नहीं, खर्च तो मैं बहुत हुआ पर खत्म नहीं हुआ, खेला बहुत कुछ, खेला बहुत कुछ पर कभी नहीं खेला जुआ, खेला बहुत कुछ पर कभी नहीं खेला जुआ। ईमानदारी से दो रोटी कमाई, ईमानदारी से दो रोटी कमाई, फकीरों की तरह उसे खाया, ईमानदारी से दो रोटी कमाई, फकीरों की तरह उसे खाया, जितना जानते थे, जितना जानते थे उतना ही समझ में आया, जितना जानते थे उतना ही समझ में आया, गणित में कमजोर थे, गणित में कमजोर थे, आकलन कभी नहीं आया, आकलन कभी नहीं आया। तो ये जो बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं आज मैं सोची इन्हीं को सुनाती हूँ, और अब मैं जंगल सीरीज अभी लिख रही हूँ, तो मेरा पूरा ध्यान जंगल जंगल हुआ है, पूरा मन मेरा जंगल जंगल हुआ है। तो उसमें से ही अभी मैं जंगल में डूबी हुई हूँ, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ, पता नहीं ये सच है कि मेरा ऐसा मानना है कि जब कवि या लेखक कुछ लिखता है तो बस बहुत उसमें डूबा रहता है, अगर उस पर उसमें पूरा डूबे ना तो उसका जो क्रिएशन है और उसकी जो इच्छा है जो व्यक्त करने की, वो पूरी पूरा डूबने के बाद ही वो अलग सी चीजें निकल कर आती हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अभी मैं जंगल में बस खोई हुई हूँ। कला भी प्रकृति की देन है, कला भी प्रकृति की देन है, वृक्ष वन लता नदी पर्वत पहाड़, यदि मौलिक कलाकृतियां हैं जिससे प्रेरित होकर कलाकार उनका नकल कर लेता है। तो इसमें ये मेरा ऐसा सोचना है कि असल में जो कलाकार है वो तो ईश्वर है, और ये प्रकृति है उसका, तो कलाकार तो जो पेंटिंग करता है या जो, वो तो एक तरह का नकल है, लेकिन जो कला है ईश्वर ने बनाई है वो तो एकदम अद्भुत है। जंगल के पारदर्शी वक्ष में अक्षत व्रत है, जंगल के पारदर्शी वक्ष में अक्षत व्रत है, जंगल में जीवन सतत। ऐसे चार चार लाइनों का लिखा मैंने कि कविता बन सकती थी ये, आगे मेरे मन में आ रही थी ये फ्लो में ले जाऊं, लेकिन चार लाइनों में छोड़ दिया। अक्षत जंगल के पारदर्शी वक्ष में, जंगल के पारदर्शी वक्ष में अक्षत व्रत है, जंगल में जीवन सतत। जहां जंगल है वहां कुछ निश्चिंत विचार, जहां जंगल है वहां कुछ निश्चिंत विचार भी हवा के साथ बहते, जहां जंगल है वहां कुछ निश्चिंत विचार भी हवा के साथ बहते हैं। ऐसा मैंने ये जो है ना, ये सच में मैंने अनुभव किया जंगल में जाकर, सच में, क्योंकि जब जंगल और पहाड़ों में आप बैठते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाके शिखर एकदम पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, और वहां पे जब आप बैठते हैं तब आपको ये विचार ऐसे जैसे हवा बहती है जंगल के ऊपर से वृक्ष, वैसे विचार भी ऐसे खूब सुंदर, ऐसे ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, जैसे विचार भी ऐसे दिमाग में ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बह रहे, ऐसा लगता है। जंगल लेने नहीं देने आता है, ये तो सभी को पता है, जंगल लेने नहीं देने आता है, प्रकृति का मन माँ का मन, प्रकृति का मन माँ का मन है, वो सम्मोहित नहीं करती है ना, त्याग करती, सम्मोहित प्रेमिकाएं करती हैं, माँ क्या करती है, त्याग करती है ना, वो सम्मोहित नहीं करती, त्याग करती है। तो जंगल को ऐसे
माँ के माँ से तुलना नहीं, जब प्रकृति तो माँ ही है, तुलना तो नहीं हो सकती है, माँ प्रकृति है, प्रकृति माँ है ना, तो ऐसे एकदम एक दूसरे में एकदम समाये हुए, तो ऐसा जो भी मेरे मन में आया वो सब मैं लिखती गई। जंगल अनुनाई अनुनाई नहीं, आतताई आतताई नहीं ना, क्या लिखी हूँ, हाँ जंगल नहीं, अच्छा जंगल का दर्शन, जंगल के चैतन्य दर्शन शास्त्र को समझने के बाद ही हो सकता है। ये वो परम त्यागी है जो तुम्हें जीवन दान दे सकता है। ऐसे बहुत सी चीजें लिखी है, कुछ को क्लियर भी नहीं है अभी, उनको अच्छे से करना पड़ेगा, एकदम ऐसे ही सुना दे रही हूँ मैं, एक जो पूरी हुई है एक कविता वो सुना दे। जंगल के संवादहीन संवादों को समझने वाले लोग ही, हाँ ये चीज मैं बताती हूँ। एक बार मैं एक आदिवासी सरगुजा में, मैन पार्क बोल के जंगल है, मैन पार्क का जगह है सरगुजा में, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जंगल है वहाँ, मतलब सिर्फ जंगल नहीं है, बहुत ऐसे खूब सुंदर, मतलब दृश्य जो है ना उसके बहुत ही सुंदर है। तो वहाँ बैठी गई थी तो मैं उस समय मैंने ये लिखा था, जंगल जैसे मुझे ऐसे लगा ना जंगल में जाकर कि वो जंगल मुझसे बातें कर रहा है, मतलब जंगल से मैं बातें कर रही हूँ, बहुत सारी बातचीत हो रही है हमारे बीच में। जंगल के संवादहीन संवादों को समझने वाले लोग, जंगल के संवादहीन संवादों को समझने वाले लोग ही सृजन की विनम्रता को पुष्ट नींव दे। जंगल के संवादहीन संवादों को समझने वाले लोग ही सृजन के विनम्रता, सृजन में एक विनम्रता होनी चाहिए, सृजन के विनम्रता को पुष्ट नींव देते हैं। तो सच में जंगल बातें करता है, जंगल की उस मतलब मूक संवाद जो पद्धति है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसका जो हवा बहना, उसकी जो नाद अंतर, मतलब ऐसा जो इको होता है, जैसे मैं कुछ बोलने से वही ऐसा इको होकर प्रतिध्वनि होकर जो लौटती है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत ऐसा गहराई से अनुभव कर सकते हैं। तो हमें वो सारी चीजें ऐसे नहीं मिल जाएंगी शहरों में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के नहीं मिल जाएंगी, हमें वो गांव में और वो जंगल में और वैसे वो उधर तक पहुंचना ही पड़ेगा, है ना, और वो अनुभव करना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा, और तभी वो चीजें एकदम मौलिक रूप से आती हैं, सुनकर कहीं से पढ़कर किसी और की भावना, किसी और की इससे वो संवेदना, मतलब खुद ना पहुंच कर कुछ पढ़कर वो आप लिख देंगे, वो ऐसा भी चलता है। प्रकृति ऐसी संवेदनशील, एक इतना संवेदनशील है प्रकृति ना, उसको संवेदना से ही समझने से उसकी मौलिकता बची रहेगी, नहीं तो वो दम घोट देगा, मतलब उसकी दम घुट जाएगा, उसका नकली चीजें जो है ना, नकली चीजें ना प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती, जो एकदम ओरिजिनल है और एकदम सरल है ना वही वही प्रकृति है। मनुष्य प्रकृति के बिना कभी सुखी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगा, मनुष्य प्रकृति के बिना कभी सुखी नहीं होगा, जल जमीन और जंगल ही जीवन है, यह अब समझना ही होगा, ये आप समझना। और है अंधकार ग्रस्त और बुद्धिजीवियों से त्रस्त है सरल जंगल, अंधकार ग्रस्त और बुद्धिजीवियों से त्रस्त है सरल जंगल, लाभ लोभ से प्रेरित लोग, लाभ लोभ से प्रेरित लोग समझदारी की बात तो करते हैं,
लाभ लोभ से प्रेरित लोग समझदारी की बात तो करते हैं पर त्याग नहीं, जंगल पैदा नहीं होते, जंगल पैदा नहीं होते, जंगल जवान नहीं होता, जवान नहीं होता, जंगल बूढ़ा भी नहीं होता। अनुभव करता है, रहता है, रह जाता है सदा 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 के। तो ये जो है ना, ये जंगल के बारे में मैं जब भी लिखती हूँ या लिख रही हूँ, बहुत सालों से लिख रही हूँ, तो एक चीज मैंने अनुभव किया कि ये और भी मजेदार होता और भी एकदम बहुत अच्छा लगता मुझे अगर मैं जंगल के बीच में ही बैठ के ये पंक्तियाँ लिखती। जब जंगल में थी तब जो पंक्तियाँ लिखी थी और घर में बैठ के जब पंक्तियाँ लिखती हूँ, उसमें अंतर मुझे समझ में आया। जंगल के बीच में बैठ के जो पंक्तियां लिखी और घर में बैठकर जो पंक्तियां लिखना, उसमें बहुत अंतर है। तो जो जो संवेदना और जो प्रकृति को ऐसे एकदम अपने ऐसे आत्मा में उतार लेकर, आत्मा में उतार कर फिर जो लिखते हैं हम ना, उसकी मौलिकता, उसकी बात ही अलग होती। जंगल हंस रहा था, जंगल हंस रहा था, जंगल काटने वाला जंगल में ही बस रहा था। जंगल हंस रहा था, जंगल काटने वाला जंगल में ही बस रहा था। मनुष्य कभी आजाद नहीं हो सकता, वो हमेशा खुद का गुलाम रहेगा जंगल को समझने वाला, जंगल को समझने वाला जंगल में रहने वाला एक दिन खुद को आजाद घोषित। मनुष्य बाहर से संस्कारी, भीतर से आत्म पराजित है। ये सारी चीजें, ये जो पंक्तियां है ना, ये जंगल में बैठती है ना। मनुष्य बाहर से संस्कारी और भीतर से आत्म पराजित है, तभी पोषण से ज्यादा शोषण करने को आते, तभी पोषण से ज्यादा शोषण करने को आते। तो ये जो है ना, आज तो मैंने जंगल की बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करी और मुझे अच्छा भी लगा। अगर ये लाइव सेशन अगर मैं जंगल में बैठकर ही करती, जंगल में बैठकर ही अगर मैं बोलती, तो ये बहुत ही शानदार होता। क्योंकि वो सारी चीजें जब मैं देखती जंगल को और वो अनुभव होता, तो वो जो बातें निकल कर आती शायद वो अलग होती, और ये जो कमरे में बैठ कर मैं जो अभी जो संवाद कर रही हूँ, ये अलग हो है। वो जंगल में जो जंगल की सबसे अच्छी बात है, उसमें कृत्रिमता जो रहती है ना, कृत्रिम वो आर्टिफिशियल है, वो एकदम खत्म हो जाती है ना। हर चीज पानी है, वो एकदम कल कल बह रहा है, हवा चल रहा है, उसमें कोई नकली भाव नहीं। तो ये चीजें जो है ना, ये जो प्रकृति को, प्रकृति से जो प्रेम करेगा ना, या प्रकृति को जो समझने की चेष्टा करेगा, समझने के लिए कुछ नहीं है, प्रकृति बहुत सरल भाव में है, उसको सिर्फ आप देखने से ही आप बहुत सारी चीजें खुद ब खुद समझने लगते है ना, सरल है ना। तो जंगल मैं अपनी ये सारी जंगल सीरीज की जितनी भी कविताएं हैं, जितनी उसमें, सिर्फ मैं ये कोशिश करी हूँ कि प्रकृति से इंसान को जोड़ा जाए, प्रकृति से इंसान को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। अगर प्रकृति से इंसान जुड़ जाएगा ना, वो बहुत नैतिक हो जाएगा है ना, बहुत नैतिक हो जाएगा। उसके उसको नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम स्कूलों में जाकर ना नकली नकली नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो सारी नकली चीजें खत्म हो जाएंगी। तो प्रकृति से छोटे बच्चों को भी जोड़ देना चाहिए, स्कूलों में जैसे पौधे लगाना सिखाना चाहिए, पौधों से बात करें बच्चे, पौधों से संवाद भी करना सिखाना चाहिए। जैसे वो हमारे बीच के हैं, वो एक मेंबर है, फैमिली मेंबर है, वैसा उनको एक ये देना चाहिए। घर के में जो आसपास पौधे हैं ना, उनको अपना समझने का जो हुनर है, वो
वो बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत खास हो सकता है। तो ये जंगल सीरीज की जो बुक है, ये तो जल्दी ही आ जाएगी, अब पब्लिश होने को चली गई है। तो जब पब्लिश हो जाएगी तो फिर मैं वो और भी बहुत कुछ लिखी हूँ जो कि मैं मिस हो जा रहा है मुझसे समझ। जंगल एक कथा संग्रह है, जंगल एक कथा संग्रह है, जंगल एक नृत्य है। हाँ, मैंने जंगल में ना नृत्य, वो जो ताल है ना, जो क्लासिकल नृत्य शैली है, उसमें जो ताल रिदम वो रहता ना, वो भी मैंने नदियों के जो साउंड है उसमें मैंने फील किया। हवा और पत्तों का जो ऐसे खर 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 की आवाज, सूखे पत्तों का ऐसा हवा के साथ बह जाना, वो भी उसमें भी जो एक रिदम है ना, वो भी बहुत सुंदर था। वो ऐसे लगा कि क्लासिकल, जैसे मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जंगल को सब कुछ आता है, मतलब सभी कलाओं में जैसे जंगल पारंगत है, उसे मतलब सीखना नहीं पड़ा है, जैसे सीखते हैं ना, वो सीखना नहीं पड़ा है, मतलब बाय बर्थ ही जंगल को सब कुछ आता हो, है ना। उसे साहित्य का ज्ञान है, उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाना है, सब कुछ आता है जंगल को, ऐसा ऐसा मुझे फील हुआ। और ये सच भी है ना, वो अगर बोलना जानता जंगल है या अभिव्यक्ति जानता, तो सारे लेखकों को अकेला जंगल ही चुप करा सकता था। हाँ, और सारा झूठ जो हम कहते हैं ना, झूठी बातें करते हैं, वो सारा एकदम खत्म हो जाता था, मतलब ध्वस्त कर देता था, है ना। जंगल एक कथा संग्रह है, जंगल एक कथा संग्रह है, जंगल एक नृत्य, जंगल के पास एक नृत्य कला भी है, जंगल एक आदर्शवादी, जंगल के पास एक आदर्शवादी मन की पीड़ा है, जंगल के पास एक आदर्शवादी, या आदर्शवादी व्यक्ति के मन में बहुत पीड़ा होती है क्योंकि उसको कोई समझ नहीं पाता, है ना। और वो समय के साथ लोगों के साथ ऐसे चाला क्या नहीं कर पाता, तो उसे बहुत पीड़ा होती है अंदर। जंगल के पास एक मन है, आदर्शवादी मन है उसको पीड़ा होती है। जंगल के पास एक यथार्थ और एक सत्य है जो अटल। तो आज तो मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करी, और मेरे ख्याल से समय हो गया है, अब तो मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है ज्यादा। और बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रही थी कि मैं आऊंगी, तो आ नहीं पा रही थी, लेकिन आज तो मैंने अपने मन की भी बात करी और जो मैं अनुभव करी हूँ वो सुनाया, जंगल थॉट्स सुनाया। और अब बहुत कुछ कह लिया है ऐसा मुझे लग रहा है, तो अब आपकी इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।